आगरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि यूपी में कानून का राज स्थापित करना है। याद रहे, कोई भी कार्यकर्ता कानून को हाथ में न ले। सीएम योगी बोले, हमारी सरकार माफिया के साथ सख्ती से निपटेगी। हमने 1.5 महीने में राज्य में कानून का राज कायम करने की कोशिश की है। सीएम बोले कि पहली बार लग रहा है कि कोई सरकार बिना भेदभाव काम कर रही है। सीएम ने आगरा में सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए जाने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा। सीएम ने कहा कि आगरा में पेयजल संकट दूर करने की कोशिश करेंगे। पानी की कमी पड़ी तो चंबल से यूपी पानी लाएंगे। आगरा मथुरा में पर्यटन बढ़ाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही। हम लोगों ने तय किया है 65 करोड़ रुपए और आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार और 65 करोड़ रुपए देकर के सिविल टर्मिनल का नाम हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम पर उपलब्ध कराया है। यहां के टर्मिनल का भी नामकरण प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शती वर्ष है और इस वर्ष पर उनके नाम पर आगरा एयरपोर्ट का नामकरण करके पंडित जी के अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ा लक्ष्य हम लोग रख रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, आप सब कार्यकर्तागण अपने अपने वार्डों को गोद लें स्वच्छता अभियान के लिए, अपने अपने गांवों को गोद लें। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इसलिए जिसलिए स्वच्छ भारत के साथ साथ एक सशक्त भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सकें, और सशक्त भारत की परिकल्पना कोई साकार कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वह संभव हो सकता है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि कानून अगर दूसरे को हाथ में लेने की छूट हम नहीं दे रहे हैं तो कानून को हम लोगों को भी हाथ में नहीं लेना होगा, क्योंकि कानून को जब हम लोग स्वयं कानून का सम्मान करेंगे तो फिर कानून को सख्ती के साथ लागू भी हम लोग करेंगे, और कानून को सख्ती के साथ लागू करके ही हम प्रदेश में उस सुशासन की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सदैव चिंतित रहते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा का दौरा किया। पहले उन्होंने अस्पताल जाकर मरीजों से मुलाकात की और फिर उखर्रा बस्ती में जाकर लोगों से मुलाकात की, साफ सफाई का जायजा लिया। सीएम योगी एटा सड़क हादसे के पीड़ित परिवार से भी मिलने पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आगरा का दौरा किया। स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने सीएम सबसे पहले एसएन अस्पताल पहुंचे। सीएम ने यहां मरीजों से उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। लोगों ने भी खुलकर सीएम के सामने अपनी बात रखी। हमारे साथ वो मरीज और उनके परिजन है जो कि यहां पर योगी जी से मुलाकात यहां पर हुई थी, उनकी हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, योगी जी यहां आए थे? जी आए थे। क्या बात हुई, किस तरह से उन्होंने जायजा लिया, क्या हालचाल पूछा? उन्होंने हालचाल पूछा, उसका पूरा ध्यान रखा कि अजय कैसे हुआ, कब हुआ, इनके बारे में जानकारी ली, तो इन्होंने सारी जानकारियां दी। आप बताइए दादा, आप बात कर सकते हैं? आप मुख्यमंत्री आपसे हालचाल पूछने आए थे, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री दौरे पर आज सेवाएं भी बेहतर नजर आ रही हैं। मैं उनसे ये कह के मजदूर का शोषण हो रहा है, बोल सब सही हो जाएगा। उन्होंने कहा सही हो जाएगा। जब योगी इस शहर में है तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सका है। अगर यहाँ हर बार हर जगह हर दिन यहाँ पर इस तरह की स्वास्थ्य सेवा देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि बेहतर से बेहतर स्थितियाँ बन सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के बाद सीएम योगी साफ सफाई का जायजा लेने आगरा की उखर्रा बस्ती पहुंचे। सीएम ने यहां लोगों की समस्याएं भी सुनी। आप देख सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा की उखर्रा मलिन बस्ती में यहां पर जायजा लेते हुए पूरा काफिला यहां देख सकते हैं, लोगों से बातचीत की है। सफाई व्यवस्था किस तरह की है, लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, लगातार इससे बातचीत किया। देख सकते हैं लोग यहाँ पर घरों के बाहर खड़े हैं, उनका वेलकम किया है और अपनी परेशानी लगातार बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मलिन बस्ती में
आगमन हुआ है मुख्यमंत्री का और लोग कहीं ना कहीं अपनी परेशानी बता रहे हैं। सीएम योगी एटा सड़क हादसे के पीड़ित परिवार से भी मिलने उनके घर गए। सीएम ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया। हमारे साथ एसडीएम ये पहले यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए मैडम, किस तरह किस जो राहत जो राशि ये दी जा रही है इस पूरे योगी जी की तरफ से? ये घटना के तुरंत ही बाद, जैसे पता लगने पे तुरंत मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, उसी के आधार पे इन्हें मृतकों को 2 लाख रुपए, सीरियसली इंजर्ड लोगों को 50,000 रुपए और कम घायल लोगों को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी। आज कितने आज योगी जी जब आए हैं इसके बाद में ही कितने चेक बांटे जाने हैं और कितने लोगों को आश्रितों को जो दिया गया कुल? टोटल 15 लोग ऐसे हैं जो मृतक हैं, मृतक के आश्रितों को दिया जा रहा है, और 29 लोग ऐसे हैं जो सीरियसली इंजर्ड है और 25 लोग ऐसे हैं जो कम घायल हैं। आगरा में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने भी सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने उनकी मांग पर विचार का आश्वासन दिया है। आगरा से शिल्पा पुंडीर के साथ विवेक पाठक, इंडिया 24/7। सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचेंगे। सोमवार को सीएम योगी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद योगी मंगलवार को मेरठ के दौरे पर भी जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवपाल और अखिलेश के बीच जुबानी जंग के बीच मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मैनपुरी में समर्थकों के बीच ये कबूल किया कि 2012 में अखिलेश यादव को सीएम बनाना उनकी बड़ी भूल थी। पहले पार्टी और परिवार में सिर्फ उटावल और फिर विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का दर्द आखिरकार रविवार को बाहर आ गया। मैनपुरी में समर्थकों से सीधे रूबरू होते हुए मुलायम ने कहा कि 2012 में अखिलेश को सीएम बनाना उनकी बड़ी गलती थी। मुलायम ने यहां तक कहा कि जीत के बाद उन्हें खुद सीएम की कुर्सी संभालनी चाहिए थी। संकटों से गुजर के आके समाजवादी पार्टी देश की पार्टी बनी। अब मेरी गलती थी, मैं किसी की गलती नहीं बताएंगे, हमें ही बनना चाहिए था मुख्यमंत्री। हमने वोट मांगा था कि सर बहुमत दे दो, तो आज स्थिति पैदा नहीं होती। अखिलेश पर मुलायम का गुस्सा यही नहीं थमा। मुलायम ने चुनाव के दौरान अखिलेश के कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जिसने उन्हें बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं रखी। अभी सुप्रीम कोर्ट से केस छूटा है, कितने केस लगाए कांग्रेस ने, तो इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। मुसलमानों को वोट कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है आप भी। मुलायम ने अपने चचेरे भाई और अखिलेश के खास रणनीतिकार रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधा। मुलायम ने इशारों ही इशारों में रामगोपाल को शकुनी कहा। असली शकुनी जो कहा है, शकुनी ने विचार करना कौन है शकुनी, तो हम नहीं बताएंगे। और वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, उनको हराने के लिए 7,500 रुपया बांटे गए, तो उसे हराने के लिए क्या नहीं किया, तो बोलेगा क्या कहेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद यादव परिवार में पड़ी दरार भरने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में मुलायम के छोटे भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल ने अलग मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। उधर मुलायम के बोल भी अब अखिलेश पर बिगड़ने लगे हैं। समाजवादी पार्टी का गृह कलेश थम नहीं रहा है। मुलायम सिंह का गुस्सा और दर्द एक बार फिर सबके सामने आया है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव के इस बयान को किस तरह से लेते हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ नीरज मिश्रा, इंडिया 24/7, लखनऊ। यश भारती सम्मान पाने वालों को मिलने वाली पेंशन खटाई में पड़ सकती है। सीएम योगी के यश भारती की पुनरीक्षा के आदेश के बाद साधन संपन्न लोगों को हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन देने पर सवाल उठ रहे हैं। अब संस्कृति निदेशालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। माना जा रहा है कि योगी सरकार पेंशन रोकने पर विचार कर सकती है। पिछली अखिलेश सरकार की बहुचर्चित यश भारती पेंशन योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
यूपी के संस्कृति निदेशालय ने उप सचिव संस्कृति विभाग को यश भारती पेंशन को लेकर चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले 5 महीने के लिए 4.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है और मार्च 2017 से पेंशन दिया जाना है। ऐसे में पेंशन दिए जाने के संबंध में शासन से मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है। यश भारती पुरस्कार धारकों को हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन मिलती है। फिलहाल करीब 250 लोगों को यश भारती पेंशन मिल रही है। पिछले महीने संस्कृति विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यश भारती की पुनरीक्षा के आदेश दिए थे। यश भारती पेंशन पाने वालों में बॉलीवुड के राज बब्बर, नादिरा बब्बर, अभिजीत भट्टाचार्य, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कैलाश खेर, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्र, राजू श्रीवास्तव, समीर, अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज के साथ क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और सुरेश रैना भी शामिल हैं। साधन संपन्न लोगों को सरकारी खजाने से भारी भरकम पेंशन देना न सिर्फ जनता के पैसे की खुली बर्बादी है, बल्कि ये सीधे सीधे गरीब और बेसहारा लोगों का मजाक उड़ाना भी है। बॉलीवुड कलाकारों और क्रिकेटरों को यश भारती के तहत मिलने वाली पेंशन का मुद्दा पहले दिन से ही विवादों में रहा है। माना जा रहा है अखिलेश सरकार की इस योजना पर योगी सरकार अब ब्रेक लगा सकती है। विवेक तिवारी के साथ नीरज मिश्रा, इंडिया 24/7, लखनऊ। दो समुदायों के बीच हिंसा से जल उठे सहारनपुर में तनाव का माहौल है। इस तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए यूपी डीजीपी सुलखान सिंह और गृह सचिव देवाशीष पांडा ने हालात का जायजा लिया। खुद सहारनपुर पहुंचकर उन्होंने यहां प्रशासनिक अधिकारियों और सियासी दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दो गुटों के बीच हुए बवाल के बाद आज डीजीपी सुलखान सिंह और गृह सचिव देवाशीष पांडा ने सहारनपुर जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा प्रमुख सचिव गृह ने बताया है, आपसी अविश्वास और शक का माहौल है, उसको दूर करने के लिए हम लोग पूरी तरह से कम्युनिटी इंटरेक्शन करने का प्लान बनाया है हमने, उसको करेंगे। और ये घटना इस तरह की होने का कारण यही है, इसके पीछे कोई ऐसा देखा जाए कि कोई संगठित या कोई ऐसा जातिगत कोई ऐसा कारण इसके पीछे प्रतीत नहीं होता है। डीजीपी और गृह सचिव ने स्थानीय अधिकारियों और सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर 15 दिन में दो बार सहारनपुर क्यों सुलग उठा। हालांकि सियासी दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ते ही नजर आए। जिस प्रकार की घटना हुई है उसमें बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए हैं साथ, निश्चित रूप से अपनी जांच करके और जो दोषी लोग हैं जो पाए जाएंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरे दंगों के अंदर, इन पूरे झगड़ों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गमछा डाल करके गुंडागर्दी करने की नीति सामने आई है। सरकार उनकी है, उनको पहल करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि कानून का राज होगा, तो सबसे पहले कानून की बात अपने लोगों में। हम आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जरूरत है इलाके में फैले तनाव को शांत करने की। पहले ही हिंसा में लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगर अब भी हालात काबू नहीं किए गए तो सूबे की कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। सहारनपुर के शबीरपुर में हुए बवाल के बाद आज प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह और गृह सचिव देवाशीष पांडा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में एक दूसरे पर दोषारोपण करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में असल सवाल उठता है कि सहारनपुर में हुए बवाल का जिम्मेदार कौन। मेरी सहयोगी स्वाति शुक्ला के साथ मीना जैन, इंडिया 24/7, सहारनपुर।